दोस्तों आज की इस वीडियो में फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स शेयर करने का ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी कम नहीं होगी और उसके पिक्सल्स फटेंगे नहीं। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, गैलरी में जाके उस फोटो को सिलेक्ट करते हैं और शेयर करके डायरेक्टली आप उसे व्हाट्सएप में शेयर कर देते हैं या फिर डायरेक्टली आप यहां से फ़ोटो खींच के उस फोटो को शेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके फ़ोटोज़ की पिक्सल्स वगैरह फट जाते हैं और जो आपके वीडियोस की क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो WhatsApp के थ्रू अगर आप फोटो शेयर करते हैं तो आपको WhatsApp पे क्लिक करना है और वो कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप फ़ोटो शेयर करना चाहते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स या वीडियो शेयर करना चाहते हैं। और फिर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जिस भी डॉक्यूमेंट्स को आप शेयर करना चाहते हैं यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना है और फिर ओपन कर देना है, यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये फ़ोटो सेंड हो चुकी है एज ए डॉक्यूमेंट, मतलब ये है कि ये एक पीडीएफ फाइल हो गई है जिसे आप ओपन करेंगे तो ये एक पीडीएफ की तरह दिखेगी, इसके पिक्सल्स वगैरह नहीं फटेंगे। जैसी फ़ोटोज़ की क्वालिटी यहाँ पर है वैसे ही फ़ोटोज़ की क्वालिटी वहाँ पर रहेगी जहाँ पर आपने शेयर की है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं दोनों कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।